सचिन रावत जी हमारे साथ मौजूद है। सचिन रावत साहब, लगता है कि 80 सीटों की तैयारी काम आने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए कुंदन जी, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष श्री अजय राय जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर तैयारी कर रही है और हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। जिस तरह से पूरे देश में श्री राहुल गांधी जी नफरत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उसी के तर्ज पे श्री अजय राय जी उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण का चुनाव है। यह संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 सालों में देश को गर्क मिले जाने का काम मोदी सरकार ने किया है, आज 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत देश में है, आज सबसे ज्यादा महंगाई भारत देश में है, जिस तरह से लगातार देश बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लेकिन 6-7 सीटों के लिए आप लोग लड़ भिड़ रहे हैं। देश तो ये देख रहा है ना कि संविधान बचाने वाला चुनाव है, देश बचाने वाला चुनाव है, लेकिन इस देश बचाने के क्रम में, संविधान बचाने के क्रम में, ना तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ना अखिलेश यादव सैक्रिफाइस कर रहे हैं 7 सीटों के लिए। हम तो किसी से बेवफाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, हम जनता के सामने जा रहे हैं। सचिन रावत, देखा होगा कि 5 राज्यों में सचिन रावत पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई नजर आ रही है। आप बेवफाई की बात कर रहे हैं, वो आपको धोखेबाज कह रहे हैं और स्पेसिफिकली मध्यप्रदेश चुनाव के लिए कह रहे हैं। देखिए अभी नाहिद जी ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने कहा है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं लोकसभा अलायंस के लिए है। मैं तो कह सकता हूं कि जब लोकसभा के लिए अलायंस हुआ है तब श्री अखिलेश यादव जी को यह बयान नहीं देना चाहिए था। उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में उनकी कोई जमीन नहीं है, लेकिन वो अगर कैंडिडेट अपने 50 सीटों पे से के आसपास कुछ उतार रहे हैं तो उससे फायदा किसको हो रहा है, यह भी देखने का विषय है। अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, जब बूथ प्रबंधन का कार्यक्रम था, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अपने रूठे हुए बागी उम्मीदवारों को मत मनाइए, आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों की मदद करिए और कांग्रेस अपने आप कमजोर हो जाएगी। अब अमित शाह जी ने यह बयान दिया, उसके बाद श्री अखिलेश जी को यह बयान आया, तो मैं समझता हूं कि यह बयानबाजी आपस की पार्टियों की बयानबाजी है। कांग्रेस पार्टी श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। पिछले 18 साल में जो शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को चौपट किया है, व्यापक घोटाला रहा है, जिस तरह से उज्जैन में जो महादेव की नगरी है, महाकाल की नगरी है, वहां पर आपने इतने बड़े संस्कृति और इतने बड़े सभ्यता के जो आदर्श है महाकाल, उनके यहां पे आपने घोटाला कर दिया, तो ये घोटालाबाज की जो सरकार है मध्य प्रदेश की, इसको उखाड़ फेंकने के लिए श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व आने वाले समय में क्यों कर रहे हैं आप लोग? नाई जी जवाब देंगी। नाई जी, आपकी पार्टी कांग्रेस को कमजोर क्यों करे मध्य प्रदेश के चुनाव में? क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो लोकसभा में भी पड़ना है, आपको भी पता है, सबको पता है कि जिसकी सरकार बनेगी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो फिर कांग्रेस को कमजोर करने का काम समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में क्यों कर रही है? ये आरोप है आप पर। एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में भाजपा का ये एको कर रहा है, इसको ठीक कर रही है, ठीक है, 5 राज्यों में भाजपा का पूर्णा सफाया होगा। एक पंजाब का जो इनका रिजल्ट आया बीजेपी का, अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 1% वोट और 1 सीट मिली, वही इतिहास दोहराने जा रही है बीजेपी अभी 5 स्टेट्स के चुनाव। अब आप अगर कांग्रेस की बात करें, अभी मेरे भाई हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो कांग्रेस की बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के अनेकों बार एमएलए रहे हैं, चाहे कभी 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 7 रहे, अनेकों बार हम दूसरे पोजिशन पर रहे। तो मैं ये सब बातें नहीं करना चाहती कि मैं ये सब बोलूं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या है, हम ऐसी बात नहीं करना चाहते। अभी तो हाल में 2022 का चुनाव हुआ, 390 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। तो अभी अमित शाह जी की बात कर रहे थे, तो वो कोई ये तो बाय चांस वाले नेता है, जो बाय चांस गृह मंत्री बन गए वो बाय चांस वाले नेता, वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो एक ऐसा टाइम था जब कांग्रेस के आधे एमएलए जो बीजेपी में शामिल हो गए। तो हम ये सब बातें नहीं करना चाहते, मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की स्थिति है
कि भारतीय जनता पार्टी जो है पीडीए से बहुत ज्यादा डरी हुई है, छपराई हुई, और माननीय अखिलेश यादव जी से डरी हुई है। पीडीए है कहा नाई जी, बड़ा सवाल थी कि उत्तर प्रदेश में पीडीए है कहा। बॉबी लॉरेंस हमारे साथ मौजूद हैं। बॉबी लॉरेंस साहब, क्या पीडीए उत्तर प्रदेश में कोई दिखाई देता है आपको? पीडीए जैसी कोई स्थिति दिखाई देती है? क्योंकि पीडीए का जो प्रमुख दो घटक दल है जो केंद्र में जो पार्टी लीड कर रही है कांग्रेस, उससे तो 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का, तो कोई पीडीए आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, पीडीए की तो बात कर ले, इंडिया गठबंधन दिखाई देता है क्या? सबसे पहले मैं आपको अभिवादन करता हूं और आपके दर्शकों को अभिवादन करता हूं। देखिए, ये जो गठबंधन है I.N.D.I.A, वास्तव में ये कन्फ्यूजन में उत्पन्न हुआ, कन्फ्यूजन में पोषित हुआ और कन्फ्यूजन में विलीन होने की दशा में दिख रहा है। अब हम जरा सा दो बयान जरा दिखाना चाहेंगे इनकी आपसी लड़ाई का। मध्य प्रदेश की चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया, एक अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा था, फ्रंट पेज की पहली खबर थी जो यहाँ के कांग्रेसी नेता के नाम से मिलती जुलती थी, जिनके नाम में कमल हो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो बीजेपी की ही भाषा बोलेंगे, दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। ये स्पष्ट अस्पष्ट टिप्पणी अखिलेश यादव ने कमलनाथ जी पर किया, जो कि कमलनाथ जी जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। फिर आगे कहा, अखिलेश यादव जी की टिप्पणी सुनिए, कांग्रेस पार्टी अभी ने अभी धोखा दे दिया है, अगर बाद में दे दिया होता तो हम कहीं के नहीं बचते। ये देखिए अंतर्द्वंद चल रहा है दोनों लोगों में। उसके अलावा देखिए समाजवादी पार्टी को भी झटका लगा है। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, तीन बार के जो सांसद थे सपा के और राष्ट्रीय महासचिव भी है रवि प्रकाश शर्मा जी, वो समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र दे करके कांग्रेस में चले जाते हैं। वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उनके पिताजी स्वर्गीय बाल गोविंद वर्मा जी भी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और वो भी तीन बार एमपी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। अब आप हमको ये बताइए, इन बयानों से क्या लगता है कि ये गठबंधन चलने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये गठबंधन चलने वाला है। उधर देखिए नीतीश जी बिहार में अपनी आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब भी अपनी बात उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है इन्होंने देश को लूटा है। अब जहां जहां अखिलेश यादव जी जा रहे हैं वहां पर वो पीडीए की बात करते हैं, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि ये पीडीए नहीं है, इनको वास्तव में शब्द इस्तेमाल करना चाहिए पीडीएम, क्योंकि अल्पसंख्यक में तो कई जातियां आती हैं, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, तो इनको तो केवल अल्पसंख्यक मुस्लिम दिखाई देता है, तो इसलिए पीडीए की बात क्यों कर रहे हैं? ये पीडीएम की बात करें ना, कि पिछड़ा दलित और मुस्लिम। तो ये कुल मिला जुला करके देखिए, ये अंतर्द्वंद में, अंतर कलह में ये गठबंधन है। और ये इसी तरीके से हमने कहा था ना, कि इसी तरीके से पिछले डिबेट में भी कहा था, ये देखिए विलीन होने के कगार पर है। अब एक बात जरा सा और जोड़ना चाहूंगा, ठीक है, ये देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर के ये जो लड़ाई चल रही है, अब जरा आप राजनैतिक दलों की स्थिति अगर आप पिछले चुनावों पे डालेंगे, कांग्रेस की स्थिति क्या थी 2012 में 22 सीट, 2017 में 7 सीट विधानसभा चुनाव की, 2022 में वो 2 सीट पर सिमट आई। अब समाजवादी पार्टी क्या स्थिति थी 2012 में 224 सीट उनकी सरकार बनी थी, और उसके बाद में 2017 में 54 सीट, और उसके बाद में 2022 में 111 सीट। तो भाई जिसका सीटें ज्यादा हैं, वोट शेयरिंग की भी बात होगी, तो अगर अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि नहीं उनको सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये बात उनको इन आंकड़ों को देख करके जरूर कहना चाहिए, कोई भी कहेगा। हाँ। ये आपसी देखिए लड़ाई है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम सीटें मांग नहीं रहे, सीटें दे रहे हैं, तो नहीं लगता। इसीलिए शायद उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में 2.33% के आसपास से विधानसभा चुनाव में रहेगा और 2 सीटें रह गई, तो इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीटें मांग नहीं रहे, सीटें दे रहे हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इंडिया गठबंधन पर चर्चा जारी, लेकिन इंडिया गठबंधन के बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या डिमांड कर दी है यह भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, पहले प्रवक्ता कहते थे, अब प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं, तो ये लड़ाई क्या और दिलचस्प होने वाली है, इंडिया गठबंधन के अंदर वाली ही लड़ाई, इस पर चर्चा जारी रखेंगे।